यहाँ से जो है चाची जी खेत से वापस आ रहे हैं। राम राम। राम राम। जय श्री राम। बाजरी कल्ला बारा कह रहा जामन भाई। राम राम। राम राम भाई। राम राम। वो दोस्तों अभी जो है जामन ये बजा के उनसी चमड़ी की है बकर। हाँ दोस्तों ये जो बकर है बकरान बकरा उसकी जो है खाल खेत की झोंपड़ी आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ठीक है ये अंदर से भाई थोड़ा पानी दे दे मुझे। जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो अभी दोस्तों इस वक्त हम घर से काफ़ी दूर हमारे गांव के खेतों में खड़े हैं और आज का जो वीडियो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला और आप सभी भाइयों के लिए। बेसिकली इस वीडियो का काफ़ी भाई ने कमेंट किया था कि आप जो है आपके वहाँ खेत दिखाओ, खेतों में क्या फसलें बोते हो और आपके खेत किस तरह हैं, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी चलते हैं और आपको जो है दिखाते हैं। अभी जो हम इस पेड़ के जो देख सकते हैं हमारे पीछे पेड़ एक है, जाड़ का पेड़, इसको हम बोलते हैं जाड़। ठीक है क्योंकि यहाँ से जो है वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही थी। वहाँ से जो है खेतों में थोड़ी धूप ज़्यादा थी, सुबह के 10 बज रहे हैं और आपको जो है दिखाते हैं चल के आगे क्या क्या हम अगर खेतों में कोई होगा तो उनसे भी बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों जा रहे हैं खेत और यहाँ पे जो चाची के घर आ रही है खेतों से। अरे राम राम। राम राम। जय श्री राम। अभी चाची जो है खेत गई थी सुबह और देखने के लिए, अभी जा रही है घर वापसी। ठीक हो? ठीक। तो अभी चाची जी घर जा रही और अभी मेरे साथ निंदे साथ में आया, ये भी अपने खेत वहाँ पीछे है वहाँ पे गया था। तो सोचा इसको मैंने बोला भाई चल मेरे साथ आज व्लॉग बनाना है, हमारे भाइयों को दिखाना है। तो अभी चलते हैं और आपको जो दिखाते हैं। तो धूप भी सुबह सुबह काफ़ी अच्छी हो गई, तगड़ी वाली धूप हो गई है। तो ये भी हमारे गाँव के ही खेत हैं, इसमें हम खड़े थे। यहाँ पर कोई हमें मना वगैरह कोई नहीं करेगा, अपने काम करो। तो ये खेतों में इस टाइप से जो है ये झोंपड़ी बनी पड़ी है, अभी आपको चल के आगे दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं आगे। ये आपको जो है मैं झोंपड़ी दिखाता हूँ खेतों में किस तरह बनी होती है। तो ये दोस्तों ये है झोंपड़ी खेतों में, खेतों में रियाज करने के लिए जब घरों से आते हैं तो यहाँ पे रेस्ट करते हैं, बैठते हैं और खेतों का काम करके वापस यहाँ बैठते हैं। तो ये बनी पड़ी है यहाँ पर। ठीक है तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये है झोंपड़ी, इस टाइप से खेतों में बनी पड़ी होती है। तो इसमें रहते हैं, आज तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हम, किस दिन आ गए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जो पानी वगैरह भी खेतों में रखा होता है, जो भी किसी को प्यास वगैरह लगे तो आराम से पी सकता है। ये पानी का डब्बा वहाँ पे गिलास इस तरह पड़ा है, अंदर से भी आप देख सकते हो। तो ये है झोंपड़ी खेतों की और आगे चलते हैं और आपको जो दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे जो खेत और हमारा ये इलाका है ना थर पार्कर डेजर्ट, ये सेम टू सेम इंडिया राजस्थान की तरह है। मैंने काफ़ी वीडियोस वहाँ के जो है देखे, मेरे को तो यही लगता है वहाँ उस जैसे जैसे। तो अभी ये पीछे आ रहा है निंदेश, तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी जा रहे हैं दूसरे खेत, हमारा भी यहाँ पे खेत है और दूसरे भी खेत चलते हैं, किसी से बात भी करते हैं और अभी शायद लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं। तो चलते हैं और आपको जो दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों आ गए यहाँ पर खेत में निंदेश के, ये चाचा जी का खेत यहाँ पे। ये बोतल में जो पानी रखा हुआ है और ये दोस्तों मतीरा, जिसे वाटर मेलन हम लोग इसको काड़िंग बोलते हैं दोस्तों। ये खाने में बहुत ही मीठे होते हैं और आपने शायद खाए भी होंगे। ठीक है ये हैं मतीरे जिसे हम काड़िंग बोलते हैं। ये शायद हमें अभी तो नहीं, ये भी खाए हुए हैं काफ़ी। भाई थोड़ा पानी दे दे मुझे। अभी दोस्तों पानी पी लिया और अभी चलते हैं आगे। तो अभी दोस्तों चलते हैं आगे और मासी जी है आगे सब्जी वगैरह ले रही है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मासी जी है सब्जी ले रही है ग्वार। ये दोस्तों ये ग्वार इसकी सब्जी बनती है। अभी धूप भी ज़्यादा है, अभी यहाँ से जो है ग्वार की ये फलियाँ ले रही है। और दोस्तों ये जो है
ये कपड़ों में जो लग जाता है, इससे हम भुट बोलते हैं। ये आप खेतों में चलोगे तो ये लग जाएगा कपड़ों में काफ़ी जो है। जब खेतों के अंदर तो नहीं होते स्टार्टिंग में, जब खेत फसलें अच्छी होती है तब इसके अंदर घास जो निकाला जाता है, जैसे हम लेडान बोलते हैं। वो भी मैंने जो वीडियो बनाई हुई है मेरी, एक रखी हुई है, शायद मैं कभी मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। मेरे पास वो बनी पड़ी है वीडियो, जब हमने खेतों में काम किया था तब की वीडियो वो। तो ये लग गई इसके, ये अब ये बोर्ड अब ये निकाल गया है, कपड़ों में लग जाता है। चलोगे खेतों के अंदर लग गया। तो दोस्तों हम अभी ये देख रहे हैं खाने के लिए कोई अच्छा मिल जाए हमें, पक्का हुए नहीं यार यहाँ पे है। कैसा निकाल इसको, कच्चा अच्छा सा अगर मिल जाए तो खाने के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे भी हैं ये दोस्तों, ये एक पकी हुई चिबड़ी हमें मिल गई है, ये खाने बहुत ही मीठी होती है। खेड़वाएँ ठीक है ले ले, एक ये मिला है, देखते हैं पक्का हुआ है या नहीं है। अभी चलते हैं आगे ऊपर, एक ये गड़ो संदा तो ये ना सही भी है। ये इस साइड दोस्तों ये ख़राब लग रहा है थोड़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, बट ये काम की चीज़ है पक्के भी नहीं ये वाले। अभी जा रहे हैं आगे और भी अच्छा मिल जाए। और ये तो चलो, ये मिल गई हमें एक चिबड़ी। तो ये दोस्तों बाजरी का फसल अभी लाभा रहा जो है बाजरी में किया है, ये बाजरी का जो है देख सकते हो फसल अभी खेतों में जो है ये पक गई है ना, अभी ये इसका लाभा रहा स्टार्ट हो गया है। सामने आप जामन देख सकते हो, हमारा भाई भी वो कर रहा है लाभा रहा बाजरी का, वो हो गया ये दोस्तों। यहाँ पे जामन जो है ये बाजरी का लाभा रहा कर रहा है। जामन भाई राम राम। राम राम भाई राम राम। ओ अभी ये लाभा चल रहा है, लाभा चल रहा है ये दोस्तों। हाँ ये है इस बार दोस्तों जो है फसलें वगैरह अच्छी नहीं हुई है, बारिश कम पड़ी है इस वजह से। अगर किसी का खेत जो अच्छा हुआ है तो हुआ है, नहीं तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा खेत जो है फसलें अच्छी नहीं हुई है। दोस्तों अभी जो है जामन ये बजा के दिखाएगा, ये कौन सी चिमड़ी की है, बकर। हाँ दोस्तों ये जो बकर है, बकरान बकर उसकी जो है खाल है चिमड़ी उसकी बनी हुई है, तो अभी ये बजा के दिखाएगा। तो ये जो है ना बाजरे का फसल परंदे वगैरह खान ले, इस वजह से ये खेतों में बजाई जाती है। और एक ये जामन के, हमारा भाई जामन के खेत की झोपड़ी आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है ठीक है। ये अंदर से इसके अंदर चारपाई रखी हुई है, और भाई इसको इधर रख दो ठीक है। ये अंदर से आप इसको देख सकते हो, ये चारपाई अंदर लगी होती है और आराम करने के लिए यहाँ पे बैठे जाते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी चिबड़ी और मतीरे वगैरह काफ़ी रखे पड़े हैं यहाँ पे, ये अंदर से भी आप देख सकते हो, ये अभी ले रहा है सारे।
बाहर से भी आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों ये बाजरी का फसल है और ये तिल, ठीक है, और ये भी कोरड़ है, ग्वार, कोरड़ और मूंग और भी फसल होते हैं ये। तो दोस्तों ये मूंग, ठीक है, और ये ग्वार। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, हमारे यहाँ के थरपारकर के जो खेत हैं वो सिर्फ बारिश का जो पानी आता है ना उस पे होते हैं, नहीं तो हमारे पास यहाँ थरपारकर में कोई नहर है और कोई कुछ नहीं, बोरिंग वगैरह खेतों में कुछ नहीं, सिर्फ जब भगवान बारिश करता है तो बारिश के जो पानी में उसमें ही खेती होती है, वैसे हमारे पास नहर वगैरह बोरिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी जो है ना इस बार तो अच्छी बारिश भी नहीं हुई है, काफ़ी खेत सूखे पड़े हैं, उनमें जो धान भी अच्छा नहीं हुआ है, जो जिन्होंने अगर ट्रैक्टर वगैरह से चलाए खर्चा किया वो भी वापस नहीं मिलेगा इस बार, लग रहा है ऐसा मुझे। तो ये जो अभी आपको मैंने खेत दिखाया था ये जामन का खेत है हमारे भाई, इसका खेत है दूसरों खेतों से जो है अच्छा है। तो ये जो है मूंग की फरी है, ये भी पक गई है और अभी जो है सूखे सूखे आपको सामने, आपको जो है वो सामने ये धोरा आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जो घास वगैरह भी पूरी सूख गई है, नहीं तो आपको पूरा जो है ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, बट अभी तो क्या करें बारिश आई नहीं है, पहले वाला धान था वो भी अभी सूख गया है। तो दोस्तों अभी जो है हम आ गए घर, वापसी जा रहे हैं घर पे, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप सभी भाइयों को पसंद आई होगी। तो इस चैनल पे आपको आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।